इसका एक ही मुख्य कारण है, भाजपा दलित विरोधी है और आज से नहीं है, जब से संघ बना है उस समय से इन्होंने दलितों और माइनॉरिटी के साथ हमेशा से भेदभाव किया है, अत्याचार किए हैं जगह जगह पे। जैसे सहारनपुर कांड अभी हुआ, दलितों के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार इन्होंने किया है, जगह जगह पे महिलाओं को वस्त्र उतार करके मारपीट करना, उनके घरों में उनकी बहन बेटियों के साथ मारपीट करना, बलात्कार करना, घरों में आग लगा देना, ये इन्हों को सिखाया जाता है। जो मुझे लगता है कि संघ द्वारा भाजपा का जो पूरा संगठन है वो भाजपा दलित विरोधी संगठन है, जो दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे उंगलियां उठा रहे हैं। ना तो इन्हें संविधान के अंदर विश्वास है, ना देश की आस्था पे इन्हें भरोसा है, ना यहाँ के लोगों से इन्हें प्यार है। इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि सिर्फ यहाँ से दलितों को भगाओ, माइनॉरिटी को भगाओ और देश में अपना गुंडा राज कायम करो। ये मनुस्मृति वाले बुद्धि के लोग जो हैं, इन्हें ना तो किसी वर्ग से मतलब है, ना किसी महिलाओं के मान सम्मान से इन्हें मतलब है, ना दलितों के ऊपर इन्हें कोई विश्वास है। ये चाहते हैं कि जो आज से 5000 साल पहले ये बाहर से आए हुए कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के मूल निवासियों के ऊपर वही वापस स्थापित कर दे जैसे पहले का इन्होंने किया हुआ था, तो अब ये इनकी सोच बहुत दूर है, वो हम पूरा भी नहीं हो सकती कभी। और भाजपा को यही दलित और माइनॉरिटी ने मिलकर के जो इतना मैंडेट दिया था, भाजपा जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, यही समाज आज एकजुट होकर के इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि ये मूल निवासियों का देश है, ये हमारा देश है। सर, अभी कुमार विश्वास जो एक अपने आप को बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी कहा था एक वो व्यक्ति था जिन्हें जातिवाद का जहर फैलाया था, तो कुमार विश्वास पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बेकार का तर्क आपने किया है, मैं आपको बताऊं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बेकार की बात करी बिल्कुल ही, जिसका कोई सर पैर नहीं है। उन्होंने ना कभी ऐसी बात की, उन्होंने जो बात की वो वीपी सिंह के टाइम पे जो कांड हुआ था वो उस बात को लेकर के कहा गया था, और इसको मीडिया ने अपने हिसाब से चलाती है। मीडिया कौन सा ठीक दिखाती है, मीडिया भी अपने हिसाब से अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रही है। देश के चार स्तंभ हैं, मैं मानता हूँ अगर ये चारों स्तंभ में समानता हो, बराबरता हो, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हो, तो देश सालों में नहीं घंटों में सुधर सकता है। मीडिया वो दिखाए जो समाज के बीच में सच चलता है, वकील वो करे जो एक आदमी को ज़रूरत है, एक राजनेता अपनी जिम्मेवारी निभाते हो, अपने जनता की सेवा करे, उसके हित के लिए काम करे। देखो, श्रीवास्तव को सामने लाओ, उसे हम बता देंगे कि कैसे नारी का सम्मान होता है और कैसे दलितों का सम्मान किया जाता है। जी, इनकी औकात नहीं है हमारे सामने बैठ के बात करने की। ये होंगे अपने कोई श्रीवास्तव, हमारे सामने आके बोले हम बताते हैं एक दलित कौन है। जी, इन्हों को, इन्हें अपनी औकात का एहसास मालूम नहीं है इन्हों को, और अगर ये देश के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करेंगे तो इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। नहीं, ये तो पहली बात, ये गलत है कि लोगों की सोच की कोई जाटव समाज या वाल्मीकि समाज किसी से कम है, तो आप इतिहास उठा के देख लो, जितने क्रांतिकारी मिले होंगे वो हमारे समाज से मिले होंगे, जितने बड़े आज पहुंचे हुए लोग हैं उसमें देखें, लेकिन भेदभाव कहीं ना कहीं परचम पे भाजपा लेती आ रही है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है देश हित में, नहीं तो देश को ये बेग देंगे और जो पड़ोसी मुल्कों का हाल है वो ये बहुत जल्दी कर देंगे।